अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी महानगर पालिका के पूर्व सभापति एवं भावी नगर सेवक सैयद फारूक बाबा, इनका जन्मदिन, अली खान मित्र मंडल के सर्वे सर्वा, नौजवानों के दिलों की धड़कन, भावी नगर सेवक अली खान, इन्होंने परभणी के आजाद कॉर्नर स्थित अली खान मित्र मंडल के ऑफिस पर सैयद फारूक बाबा का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समय सैयद फारूक बाबा को फूलों के हार पहनाकर मिठाइयां खिलाते हुए जन्मदिन की मुबारकबाद देकर उन्हें लंबी उम्र के लिए दुआएं की गई। इस समय युवा नेता अली खान इनके साथ मुबारक देते हुए मोहम्मद इमरान रूबी, जलील भाई कुरैशी, महानगर पालिका के अब्दुल समद, जुबेर डायमंड, वसीम बेलदार, अबरार उर्फ टिन्नी खान, रफीक ट्रांसपोर्ट वाले, मोहम्मद शफी, मुकद्दर खान साहब, मुमताज खादरी उर्फ बिल्ला, इस्माइल भाई ड्राइवर, खाजा साहब उर्फ गर्दिश शायर, अशफाक कुरैशी के साथ बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा वर्ग जमा हुआ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। प्रेमी ने प्रेमिका के माँ का किया खून, सोनपेट तहसील की घटना, घातक हत्यारे से किया वार। प्रेमिका को साथ चलने के कहने के बाद प्रेमिका के माँ ने नहीं जाने देने पर इसका गुस्सा आते हुए प्रेमी ने तेज हथियार से वार कर प्रेमिका के माँ को खत्म किया। ये घटना 15 मई 2023 सोमवार के रात 10 बजे के दरमियान सोनपेट तहसील के क्रम में हुई है। इस घटना की मिली जानकारी यह है कि बाड़ू नारायण मुंडे, इसका मंगल गायकवाड़, इस महिला के साथ प्रेम संबंध जुड़ा हुआ था, लेकिन बाड़ू मुंडे ये उसके चरित्र पर शक करते हुए मंगल गायकवाड़ इसे मारपीट किया करता था। इस मारपीट से तंग आकर 1 मई 2023 के रोज मंगल अपने माँ के विमल बाई उजगरे इनके करम गांव में रहने के लिए आई हुई थी। कुछ दिनों पहले बाड़ू मुंडे ये करम में आकर मंगल गायकवाड़ को साथ चलने को कहा। इस समय विमल बाई उजगरे इन्होंने मंगल को तेरे साथ नहीं भेजती हूं, ऐसा कहकर बाड़ू मुंडे के साथ हुज्जत की। इस समय उसने जान से मारने की धमकी दी थी। 15 मई 2023 सोमवार के रात 10 बजे के दरमियान विमल बाई और उनके प्रेमी पंडित लोंडे, ये दोनों को बुरी तरह से मारपीट की गई। इस मारपीट में विमल बाई उजगरे की मौत हुई है तो पंडित बुरी तरह से जख्मी हुआ है। इस मामले में मैयत की बहू माया उजगरे, इन्होंने सोनपेट पुलिस थाने में तकरार देने पर अपराधी बाड़ू नारायण मुंडे पर खून और जान से मारने की कोशिश किए जाने के मामले में अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जाँच PI रेजित वाड़ कर रहे हैं। घटना स्थल पर DYSP राजेंद्र शिरतोड़े और LCP के पदक ने जाकर जायजा लिया। पुरानी बीमारियों की शर्तीय इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभणी जिला परिषद स्कूल के 5वीं से 8वीं कक्षा के छात्र उपग्रह प्रक्षेपण का खुद होकर अनुभव आने के लिए जिले के 27 छात्राओं को अंतरिक्ष केंद्र श्री हरि कोटा ISRO टूर्स के खातिर परीक्षा लेकर चयन किया गया। इन छात्राओं को शिक्षा विभाग की ओर से हवाई जहाज द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र देखने के लिए और यंत्रणा की पढ़ाई करने के खातिर शिक्षा विभाग की ओर से छात्राओं को हवाई जहाज की सहर करने को मिल रहा है। इसके लिए जिला परिषद के CEO विनय मुन, प्रकल्प संचालक श्रीमती रश्मि खांडेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, इनके मार्गदर्शन पर यह टूर्स का आयोजन किया गया है। विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रकर इनके संकल्पना से औरंगाबाद विभाग के जिला परिषद स्कूल के कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के गुणवान छात्राओं की अंतरिक्ष केंद्र परीक्षा श्री हरि कोठा आंध्र प्रदेश यहाँ उपग्रह प्रक्षेपण का प्रत्यक्ष अनुभव और थुम्बा स्थित स्पेस म्यूजियम, ईश्वर रैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल म्यूजियम का ये छात्र अनुभव हासिल करेंगे, जिसमें जिंतूर तहसील से शुभम गायकवाड़, वैष्णवी शेड़ के कार्तिकी ठोमरे, गंगाखेड़ तहसील से पूनम मोटे, राधा वरकड़े, अंकिता मोटे, मानव तहसील से ज्ञानेश्वर मस्के, तेजस भिसे, ऋतुजा खेड़के, पालम तहसील से दिव्य पौल, शशिकांत खेड़कर, भक्ति पौल, परभणी तहसील से यशराज कछुए, श्रीनिवास रेंगे, प्रिया रेंगे, पासी तहसील से आरुषि कोरडे, अर्थव वराड़े, प्रगति राउत, पूर्णा तहसील से दिव्या शिराड़े, पवन सलगर और विद्या पौल, सेलू तहसील से स्नेहल गजमल, अनंत मांगदरे, वेदिका रासवे, सोनपेट तहसील से विवेक धबड़े, गोपाल पवार, इंद्रानी राजमाने, ये शामिल है। 16 मई 2023 के रोज जिला परिषद के कार्यालय से वहां के मैदान से सुबह 9 बजे इनकी रैली निकालकर 16 छात्राएं और 11 छात्र, ऐसा कुल मिलाकर 27 छात्राओं के साथ विविध विभाग के अधिकारी कर्मचारी ये इसके साथ जा रहे हैं।
नकली सोना देकर 3.5 लाख रुपए को फंसाया। सोनपेट में हुई घटना। असली सोना बताकर नकली सोना देते हुए 3.5 लाख रुपए को फंसाया गया है। ये घटना सोनपेट शहर के बस स्टेशन के इलाके में 16 मई 2023 के रोज हुई है। इस मामले में अपराधी के खिलाफ सोनपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। रमेश हनुमंत राठौड़ इन्होंने तकरार दी है कि फिरियादी ये पुणे का रहने वाला है। 4 महीने पहले फिरियादी रमेश हनुमंत राठौड़ ये पुणे में अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर आए हुए थे। इस जगह पर उन्हें एक अनजान व्यक्ति मिला। रमेश हनुमंत राठौड़ इनके पिता से बात कर रहा था। वो कह रहा था, 2 दिनों से मैं रेलवे स्टेशन पर ही सो रहा हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा कहने पर फिरियादी ने उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। इस समय उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे सोना मिला है और तुम्हें लड़कियां हैं, मैं कम कीमत में तुम्हें सोना देता हूँ। इसके बाद उसने बार बार फिरियादी के पिता को फोन कर अप्रैल महीने में संबंधित पुणे में रहकर फिरियादी के घर पर आकर कुछ सोना दिया और वो सोना असली निकला। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि तुम पैसे जल्दी लेकर आओ, मैं तुम्हें ज्यादा सोना देता हूँ। ऐसा कहते हुए चला गया। फिरियादी और उनके माता ये दोनों मिलकर 16 मई के रोज सुबह 9 बजे सोनपेट पर आए। इस गांव में संबंधित व्यक्ति से मुलाकात की और वो वहीं पर उन्हें सोना देने लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम यहाँ सोना नहीं ले सकते हैं। ऐसा कहकर वो मोटरसाइकिल पर जा बैठकर संबंधित व्यक्ति के घर पर ले गए और वहाँ 3.5 लाख रुपए के लेकर पूड़ी में बांधकर सोना दिया गया। वो सोना लेकर उन्होंने जब जांच की तो वो सोना नकली निकला। इस मामले में रमेश राठौड़ इनके तकरार पर नंदू अवडू शिंदे, चंदाबाई नंदू शिंदे, बिरजू भोसले, येलन भाई भोसले ने असली सोना बोलकर नकली सोना देने की फंसाए जाने को लेकर तकरार दी गई है। सोनपेट पुलिस थाने की फिरियाद पर आगे की जांच की जा रही है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना, हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर जनपद, बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। दो ईमानदार ऑटो वालों का ट्रैफिक पुलिस की ओर से किया गया सत्कार। 13 मई 2023 के रोज ऑटो में बैग भूलकर जाने वाले 2 घटनाएं हुई थी। एक महिला यात्री ने ऑटो में बैठकर वहां से बस स्टैंड पर रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक पहुंची और बस स्टैंड के पास वहां उन्होंने अपना सामान उतारा और उसी में अपने नकदी रखी हुई रकम और सोने के गहने रखी हुई बैग ऑटो में भूल गए। दूसरी घटना इसी तरीके से हुई कि एक महिला रेलवे स्टेशन से उतरकर बस स्टैंड पर आई और उन्होंने सब सामान उतारा, लेकिन गहने और पैसों की बैग ऑटो में ही भूल गई थी। इस बात को लेकर उस महिला ने यहाँ के ट्रैफिक पुलिस के एपीआई सचिन इंगेवाल और वहाँ के खड़े हुए कर्मचारियों को इस बात का अवगत कराया, लेकिन वो ऑटो धारकों ने पुलिस थाने में जाकर वो अपने दोनों भी बैग वहाँ सुपुर्द किए थे। यह देखकर शहर ट्रैफिक पुलिस के एपीआई सचिन इंगेवाल ने उनकी ईमानदारी को देखते हुए और उन महिलाओं के बैग को उन महिलाओं ने पहचान कर वो बैग उनके सुपुर्द किया गया। जिस तरह रखे हुई थी रकम और उनके आभूषण पूरी तरह वहाँ पर मिले और मिलने के बाद उन्होंने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। और इस बात को लेकर यहाँ के जो ऑटो ड्राइवरों ने अपनी ईमानदारी दिखाई कि गरीबी हालत में होने के बावजूद उन्होंने उस पर किसी तरीके से नियत खराब नहीं की और हराम का पैसा नहीं होना चाहिए, फुकट की मिली हुई दौलत टिक नहीं सकती, इन बातों को उन्होंने ध्यान में रखकर वो बैगों को उन्होंने पूरी तरीके से लिया कर जिस तरह थी उस तरह से बैगे पुलिस के हवाले की। ऑटो ड्राइवरों के इस ईमानदारी को देखते हुए इन दोनों ईमानदार ऑटो ड्राइवरों का सत्कार परभणी के रेलवे स्टेशन पर शहर ट्रैफिक पुलिस के PSI मकसूद पठान, रविंद्र दीपक, कर्मचारी अनिल राठौड़, अविनाश भिसे, शेख मुश्ताक, इन्होंने उन्हें शाल और पुष्प मालाएं पहनाकर सत्कार किया। हे अर्जुन भाऊ आणि आमचे पंडित जे दुबई इथं ऑटो चालवतात, मागच्या 2 दिवसापूर्वी यांच्या ऑटोमध्ये एक महिला बॅग विसरली होती, त्याच्यामध्ये जवळजवळ 1.5 लाखाचे दागिने होते। तसेच ज्यांच्या ऑटोमध्ये सुद्धा असंच 2 दिवसापूर्वी बॅग विसरली होती, त्या लोकांनी स्वतःहून आम्ही प्रयत्न केला आणि आम्ही स्वतःहून ती बॅग पोलिसांच्या स्वाधीन केली आणि आम्ही ज्यांची बॅग होती ते आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आमचे इंदिवाड साहेब आमचे जे इन्चार्ज आहेत त्यांनी ती बॅग्स त्यांना सुपूर्द केली आहे जशाच्या तशी। तर या लोकांनी जे कार्य केलेले ते अतिशय उल्लेखनीय काम असं आहे। तर आमची हे प्रत्येक ऑटोवाल्यांना प्रत्येक व्यक्तीला आमची अशी विनंती आहे की आपले आपले
काम सद्बुद्धीने करून असा कोणताही आमच्या प्रकार होणार नाही याची काळजी घ्यावी आणि वाहतुकीच्या नियमासाठी आम्ही यांना नेहमी काळजी घेण्याची सूचना देतो की आपले ऑटो रोडवर लावू नका, वारंवार त्याचे उल्लंघन करू नका। तरी हे लोक खूप चांगले यांनी काम केलेले आहे, हे काम सहसा कोणी करत नाहीत आणि असेच कार्य सर्वांच्या हातून घडावे म्हणून आम्ही यांची दखल घेऊन यांचा सत्कार केलेला आहे। प्रत्येकाने अशीच कामगिरी करावी अशी आमची अपेक्षा। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना जरूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।